कृषक समाज की ओर से जो प्रधानमंत्री ने सहकार से समृद्धि और कृषि जगत में जुटे हुए किसानों की आर्थिक सलामती समृद्धि हो इनके लिए जो ऐलान किया है, उनके सपोर्ट में कहो या यही विचार को आगे ले जाने के लिए देश में कृषक समाज जो काम कर रहा है उनकी ओर से अभी आज जम्मू में सम्मेलन रखा है। किसानों को मार्गदर्शित भी करते हैं कौन से क्रॉप किस सीजन में क्या बोना है और फर्टिलाइजर के रूप में अलग अलग तरीके से अपनी हेल्थ को किसी भी हानि न हो और किसान उनकी आय कम न हो इसी दिशा में कैसे काम कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि कृषक समाज का एक काम सरकार की कई योजनाओं को किसान के खेत तक पहुँचाने में उपयोगी रहेगा। इनके लिए हमारे चौधरी साहब पूरा देख रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ विक्रम जी डोगरा भी पूरा देख रहे हैं। मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जम्मू में ऐसा सम्मेलन पहली दफ़ा सभी किसानों को, किसान कहे तो सहकार हुआ है, किसान की कोई भी उत्पादन है वो कोऑपरेटिव के माध्यम से सरकार भी कोऑपरेटिव को प्रोत्साहन दे रही है, तो सहकारिता के माध्यम से किसानों को सलामती मिले, उनकी समृद्धि हो, इसी दिशा में ये काम कर रहा है, इनके लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। ये कार्यक्रम का आयोजन करने का उद्देश्य है कि भारत सरकार जो योजनाओं को किसानों के लिए लागू करने पर प्रयासरत है, सरकार चाहती है कि किसानों को आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनाए और सहकारिता का उसमें क्या रोल अपनाना चाहिए उसको जानकारी देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करने का उद्देश्य है। सहकार से समृद्धि, कहीं हम पिछड़ गए थे कोऑपरेटिव में, आज चाहते हैं कि हर ब्लॉक में एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बने और वो कच्चा माल ना बेचने की बात करें बल्कि उसको प्रोसेसिंग करें, पैकिंग करें और उपभोक्ता तक सीधे बेचने का काम करें, तभी किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य मिलेगा, तभी किसान रोजगार के स्थिति में मजबूत होगा। आज भी अगर देश में, पूरे देश के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का सबसे बड़ा कोई स्कोप है तो वो एग्रो प्रोसेसिंग का सेक्टर है और वो फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को ही ये जिम्मेदारी संभालनी होगी और जो पैक्स हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ हैं कोऑपरेटिव की, उनको चाहते हैं हम कि ये सब मिल के काम करें और एक बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन जो बनाना है, खड़ा करना है। जो हमारे देहात के अंदर नौजवान बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं और वो शिक्षित हैं लेकिन उनको रोजगार की तलाश है, तो उनको रोजगार एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में होगा, उनको मार्केटिंग में होगा, किसानों को सीधे उपभोक्ता से जोड़ना होगा, फार्म टू फॉर्क, खेत से लेके उपभोक्ता तक जोड़ने के लिए ही सरकार की योजनाएं हैं। और मैं सरकार की MSP कमेटी का सदस्य भी हूँ और हम चाहते हैं कि FPO और पैक्स को जो है MSP का जो दाम भारत सरकार तय करती है उस पर वो खरीद में आगे आए, गोडाउन बनाएं, प्रोसेसिंग करें और उसको माल को अपने हाथ से उपभोक्ता तक बेचने के लिए काम करना पड़ेगा। तो ये उद्देश्य है और भारतीय कृषक समाज किसानों का है, किसानों के द्वारा है, किसानों के लिए है, बाय द फार्मर, ऑफ द फार्मर, फॉर द फार्मर, ये तीन सिद्धांतों पर आधारित ये संगठन है, गैर राजनीतिक है। मैं निजी रूप में सरकार के साथ हो सकता हूँ लेकिन संगठन सभी किसानों के लिए है क्योंकि इसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, किसानों को आगे बढ़ाना है। और जो इतने लंबे समय से किसानों को बाज़ार से दूर रखा गया, सारा शोषण तो बाज़ार की ताकतों ने किया है और उस बाज़ार की ताकतों के शोषण से मुक्ति दिलवाने के लिए सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे संगठन काम कर सकता है उसका
यहाँ उद्देश्य है कार्यक्रम का आयोजन करने का, और सभी किसानों को यहाँ बुलाया है और हम उनसे हर क्षेत्र के लोगों से निजी रूप में मिल के अलग से बैठ के बात करेंगे, एक एक ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, कहाँ क्या फसल पैदा होती है, उसको कैसे प्रोसेसिंग करना, कैसे बाजार है, ये देखना है।